सिहारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुरादाबाद से आई नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपा गोयल ने शिविर में आए लोगों के नेत्र परीक्षण कर नेत्र विकास संबंधी जानकारी दी। शिविर में कुल 90 लोगों के नेत्र परीक्षण किए गए, जिनमें से 12 लोगों की आंखों में मोतियाबिंद पाया गया। मोतियाबिंद के मरीजों का अस्पताल में नियमित चेकअप कर ऑपरेशन किया जाएगा। इसी दौरान डॉक्टर विशाल दिवाकर भी मौजूद रहे और साथ ही दीपक गोयल ने बताया कि प्रत्येक बुधवार को इस शिविर का आयोजन किया जाएगा। किस विषय पर लगाया गया था, क्या उद्देश्य था? ये कैंप इस विषय पर लगाया गया था कि हमारे ऑपरेशन शुरू हो गए, ऑपरेशन की सुविधा शुरू हो गई है, तो हम मरीज आम जनता को ये जानकारी देना चाहते हैं कि यहाँ पे कैंसर सर्जरी हो रही है। मोतियाबिंद के लिए जो मरीजों को बिजनौर जाना पड़ता था, बिजनौर नजीबाबाद, तो मरीज अब यहीं पर वो सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे कैंप में 90 मरीज आए हैं, 90 मरीजों का हमने जांच करी है, जिसमें से 12 मरीजों को मोतियाबिंद था और उनको हमने जो है जांच के लिए और ऑपरेशन के लिए हमने उन्हें बता दिया है कि हम किस किस दिन ऑपरेशन करेंगे।